सर नमस्ते। नमस्ते। तो सर जैसा कि आपके फार्म की कल ओपनिंग है, मैं एक दिन पहले ही आ गया अच्छा तो जो नए लोग हैं उनको सर यानी कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने किस तरीके से फार्म डिजाइन किया है, क्या रूम बनाया है, तो एक बार सर आप अपना फार्म दिखाएं। वैसे आपके फार्म का नाम आपने गणेश स्टेट फार्म रखा है ना, तो सर आप एक बार अपना फार्म विजिट करवाएं। ये अपना फार्म है, यहाँ गार्डन है। अच्छा, ये गार्डन यानी कि घोड़ों के लिए, ये हम सबको बैठने के लिए। अच्छा, यानी कुर्सी वगैरह लगा के। ओके, ये अपना रिंग है। रिंग शानदार बनाया आपने। पूरा प्लान करा दिया, जमीन है ना। घोड़ों को भी दिक्कत ना हुए दौड़ने में। घोड़ों को दिक्कत ना हुआ ना, यानी घोड़ों की सुविधा का पूल ध्यान रखा है आपने फार्म में। अगर जानवर रखे तो प्यार से रख लेगा। प्यार से रखना। खुला रहता सर, खुला रहेगा उतना अच्छा, यानी कि उसका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो वैसे सर आप कितना टाइम खुला रखते हो अपने घोड़े को? सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुला रहता है, फिर अंदर पूरा अंदर, फिर शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। 6 बजे से 7 बजे तक, एक घंटा। बाकी ये पेड़ भी जिस दिन उग गए ना और बड़े हो गए, शानदार लगेगा। शानदार लगेगा, है ना, क्योंकि पेड़ और यानी कि एक तरीके से माने सूट लेने में भी थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीलरी पीछे ग्रीनरी आ जाएगी। अभी आगे भी छोड़ लगाने के। अच्छा। बाकी सर ये सर आपका जो लैंड है कितना बीघा होगा? ये 5 बीघा का पूरा जमीन है। 5 बीघा का। तो इधर क्या बनाने का प्लान है? इधर यहाँ सब राइडिंग करेंगे। अच्छा, राइडिंग स्कूल खोलने का भी प्लान है? यानी कि स्कूल खोलने का प्लान है। ओके, तो राइडिंग का चलेगा। अच्छा, उसके लिए जमीन प्लान करा रहे हो आप अभी, है ना। बाकी ये आपने नए स्टेबल तैयार किए हैं घोड़े के। तो सर क्या साइज होगा अगर हमें एक रूम के साइज? 15 बाई 15, यानी कि घोड़े के लिए काफी कंफर्टेबल रह सकता है, यानी कि, है ना, कंफर्टेबल रह सकता। बाकी ये आपने बच्चे के लिए बना दिया दिखता है शायद, है ना, ये बड़े के लिए। बाकी पीछे ये भी दिलवा दिया आपने, है ना, जिससे हवा पास होती रहे। ये ऊपर टीनी डलवाइए कि सर? हाँ, ये टैंकी है। अच्छा, यहाँ मच्छर का मशीन आएगा, वो आते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा, वो आवाज करती रहती है जो? हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, जीव जंतु आता है ना, वो उसको काटे मच्छर जैसे ही वहाँ पे बैठता है ना, तुरंत ही मर जाता है तुरंत। अच्छा, वो ये कोई वो आती है वो जो है मशीन से, क्या है, घोड़े को नुकसान नहीं होता। बाकी मेरे को लगता है ये मक्खियों की वजह से घोड़ों को बहुत दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए हमने ये प्लान किया है। चलो, घोड़ों के बारे में बहुत ज्यादा सोचा है। बाकी ये 5 कमरे तैयार किए अभी शुरू में, है ना। अभी ये स्टेबल मैंने 20 दिन में तैयार कर दिया है। अच्छा, 20 दिन में बना के तैयार कर दिया है? 20 दिन में हो गया। तो यानी कि सर प्लानिंग पहले से ही थी कुछ, या एकदम ही मन में कुछ आया? ये लॉकडाउन में बैठे बैठे मन में आ गया, आपका चैनल देख रहे थे, बाद में शौक उठा और बाद में बना दिया। अच्छा, जब लॉकडाउन खुला तब बना। यानी वीडियो काफी देखते हो, यानी कि आपका वीडियो हम बहुत देखते हैं। ओके, बाकी घोड़ों की सुविधा पूरी, यानी कि बल्ब वगैरह सब, पंखे वगैरह सब, है ना, पंखे सब लगा रहे। तो सर आज से पहले जब आपने अभी घोड़े रखे, इससे पहले भी आप सर बता रहे हैं कि आपने घोड़े रखे हैं? 10 साल पहले भी रखे थे। तो उस टाइम पे फिर कैसे बंद कर दिया आपने एकदम? क्या हुआ था, जानवर अच्छी तरह रह नहीं सकते थे, पाल नहीं, यानी जगह नहीं होगी। हाँ, जगह छोटी थी। अच्छा, आदमी भी टिक नहीं रहे थे इसलिए। तो सर आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि और भी रूम बनाने का प्लान होगा। प्लान है। ओके, इधर क्या है सर? ये पूरी जगह है हमारी। अच्छा, ये पूरा पीछे खुला है। अच्छा, ये पीछे चला जाएगा, पीछे राइडिंग होगा। तो सर इधर भी रिंग विंग बनाने का प्लान है क्या कोई? हाँ, रिंग बनेगी, बड़ी रिंग बनेगी यहाँ। अच्छा, बड़ी रिंग है ना, यहाँ बड़ी बनेगी। और बाकी सबसे मैंने क्या, घोड़ों के लिए अच्छा वातावरण है, हवा भी शुद्ध मिलेगी, है ना, कोई ऐसा नहीं कि जो शहर में हो तो कोई दिक्कत वाली बात हो। को भी मजा आएगा, यहाँ आएगा बैठेगा, बहुत मजा आएगा। उसका टाइम पास ही हो जाएगा, बोर ही नहीं होगा। अच्छा, इधर ये बनाने का। ओके, बाकी 20 दिन में जब भी स्टेबल तैयार करना, इतना बहुत बड़ी बात है। 20 दिन में किया है। 20 दिन में पूरा? 20 दिन में किया। तो सर कितना, जैसे कि 5 रूम में कितना क्या खर्चा आ गया, जैसे नए लोग अगर वो एक आइडिया उनको भी मिल जाए? मेरे को अभी हिसाब तो किया नहीं है मैंने, लेकिन जब भी मोटा मोटा आइडिया है 6.5 लाख तक हो जाएगा। 6.5 लाख, यानी कि 5 रूम में, यानी कि अगर अपन माने एक रूम की कॉस्ट, यानी कि लगभग 1-1.5 लाख रुपए। हाँ, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि इससे क्या है, नए लोग बहुत सारे जो एक अपना घोड़ा या घोड़ी रखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कितना भाई कमरे में पैसा लगेगा।
क्योंकि देखो सर शौक शौक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई गरीब आदमी को घोड़ा रखने का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं है ना, है ना, क्योंकि शौक करने का अधिकार सबको को है। ये बात अलग है भाई, घोड़ा मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रखो लेकिन प्यार से रखो, प्यार से रखो बस। बहुत सारे लोग घोड़ा लेके और उसको नचाने के की कोशिश करते हैं और वो मारते हैं, वो गलत है ना, उससे क्या घोड़ा भी बेकार हो जाता है। वो भी जानवर है, उसको भी प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, और दुनिया में हर कोई प्यार का भूखा है, प्यार का भूखा। तो सर अभी कितने लोग रखे हैं यानी कि घोड़ों की परवरिश के लिए? घोड़ों की परवरिश के लिए तीन आदमी है मेरे पास। तीन आदमी है, दो मेरे भाई है छोटे, अच्छा, एक सरवण सिंह है। सरवण सिंह है, तो अभी और घोड़े घोड़ी लाने का प्लान है? प्लान है, प्लान। कितने और लाने का प्लान है? लेकिन अच्छी क्वालिटी अच्छी लाइन का मिलेगा तो लेंगे, वरना नहीं लोगे, वरना नहीं लेंगे, रखेंगे तो अच्छा ही रखेंगे। बाकी का कचरा रखने का तो मतलब भी नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ 10 कचरा रखने से मतलब बढ़िया है, एक अच्छा रख लो, रखो लेकिन बढ़िया रखो, बढ़िया रखो और बढ़िया तैयार करो, बढ़िया तैयार रख करो। चलो चलो, उसका भी नाम हुए अपना भी नाम हुए। आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए फार्म के लिए, और हम तो यही दुआ करेंगे और हमारी सब्सक्राइबरों की तरफ से भी ये दुआ है कि आपका फार्म आपका नाम रोशन करे। ओके, थैंक यू।